बर्फ पिघल पिघल के पानी नीचे गिर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मेरी इस खूबसूरत से जर्नी का दूसरा दिन है और हम उत्तरकाशी कल पहुंच गए थे। कल हमने उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे और अब हम पहुंच गए हैं थोड़ा सा आगे उत्तरकाशी से। जी हाँ, उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर आगे हम पहुंच गए हैं बनेरी डैम पे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बनेरी डैम के बिल्कुल सामने और बहुत ही जो एग्जिट पॉइंट है जहाँ से पानी निकलता है, एक तरीके का एक सूडो वाटरफॉल जैसा बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस वक्त आप लोगों के सामने। ये ऊपर से भागीरथी रिवर का कोर्स है और यहाँ से जो बनेरी डैम का एग्जिट पॉइंट एंड, तो हमारी कोशिश है कि हम गंगोत्री तक जा पाए। एक्चुअली फरवरी का महीना है, बर्फबारी भी है सड़कों पे, तो हम मैं कह नहीं सकता कि हम गंगोत्री तक जा पाएंगे या नहीं, लेकिन जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे हम वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अभी हम बनेरी डैम से आगे बढ़ते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं गंगोत्री के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। उत्तरकाशी से निकल चुके थे अराउंड 8:30 और उत्तरकाशी से निकलने के बाद आता है 15 किलोमीटर्स पे बनेरी और बनेरी से आगे आएगा भटवाड़ी और भटवाड़ी के बाद गंगनदी। मैं ये जो आपको ये जो छोटे छोटे जो टाउन्स हैं या विलेजेस हैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो उत्तरकाशी से जो गंगोत्री का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 100 किलोमीटर्स है और हर्षिल कुछ 75-77 किलोमीटर दूर है। तो ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं ये तीन यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप गंगनदी जब क्रॉस कर जाएंगे तो एंटायर एरिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ हर्षिल पहुँच के या हर्षिल से आगे धराली पहुँच के ही कोई रेजिडेंशियल एरियाज आपको मिलेंगे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह आपको ईजिली मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले गंगनदी है और गंगनदी तो फेमस है, वहाँ पर एक गर्म कुंड भी है जहाँ पे काफ़ी फेमस है नहाने के लिए भी। तो अगर आप इस स्पॉट पे जाते हैं तब गंगनदी पे को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रूट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी रोड्स बने हुए, आपने वीडियोस में दिखा ही रहा हूँ, तो सड़कें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की, आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड मेजर थिंग इज़ ये फरवरी का महीना है तो जाने वाले लोग ना के बराबर है, इक्का दुक्की ही गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो हर्षिल में अगर पहुँचते तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ऊपर आप देखिए पीछे बहुत दूर स्नो की एक पीक दिखाई दे रही है, आसमान बिल्कुल साफ है, खुला है और ये आप देखिए रोड कंडीशन। बहुत ही डिफरेंट टेरेन है, बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं, कई जगह बहुत सुंदर उन पर आपको कर्व्स दिखाई देंगे, वाटरफॉल्स आपको दिखाई देंगे रास्ते भर। तो विंटर्स के बावजूद जबकि तकरीबन वाटरफॉल जो है जम जाते हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे जलधाराएं देखने को मिल रही है। तो बहुत ही सुंदर जगह और शानदार जगह है, एंटायर रास्ता बहुत खूबसूरत है। गंगनदी वेद व्यास जी के पिता ऋषि पाराशर की तपोभूमि है। प्राचीन काल में जब गंगोत्री तक जा पाना संभव नहीं था तब लोग गंगनदी में ही तप और ध्यान करते थे।
जब चार धाम यात्रा खुलेगी तब रोड्स के साथ साथ आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। रोड्स पर ट्रैफिक भी बहुत हैवी मिलेगा, लेकिन अभी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये चट्टानें, ये जंगल और बहती हुई भागीरथी ही मानो मेरे हम सफर बन गए हो। ये सब मुझे कुछ कह रहे हैं और मैं अपनी कहानी इन्हें सुना रहा हूँ। टॉप की हाइट 3024 मीटर है और सर्दियों में ये भारी बर्फबारी से बंद हो जाता है, इसलिए सर्दियों में गंगोत्री तक जा पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सूखी टॉप में। अब देखिए पूरा बर्फ ही बर्फ है, बस बर्फ है, चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। ये जो हफ्ता भर पहले आई थिंक जब देहरादून में बारिश थी और मसूरी में और धनुल्टी चक्राता में स्नोफॉल हुआ, ये उसी दौरान यहाँ लास्ट टाइम जो स्नो हुई गिरी होगी ये उस टाइम बर्फ गिरी है। अभी रोड्स पे से तो हटा दी गई है, अब देखेंगे तो रोड्स पे नहीं है, तो इसलिए जो सूखी टॉप है ये इस जब आप हर चीज़ गंगोत्री जाता है तो जो सूखी टॉप जो एरिया है ना वो थोड़ा सा एक रिस्की है कि यहाँ पे ऊंचाई है, स्नो ज़्यादा गिरती है तो ये पूरा रास्ता जो है ये ब्लॉक हो जाता है। हालांकि आर्मी हटा देती है टाइम टू टाइम मिलिट्री वाले, लेकिन फिर भी गाड़ियों के फिसलने का डर रहता है। और गंगनानी के बाद आप असेंड लेते हैं, ऊपर की तरफ गाड़ी चलती है तो आप सूखी टॉप पहुँचते हैं। और यहाँ से नीचे पूरी वैली है, देखिए भागीरथी रिवर आ रही है और वहीं नीचे ही भागीरथी रिवर के किनारे ही है बसा हुआ हर्षिल। बेहतरीन और बहुत ही सुंदर जगह है, मैं पहले गया था आज से 3-4 साल पहले, बहुत प्यारी जगह है, बहुत यू विल लव इट। एंड आई एम जस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, इतनी खूबसूरत जगह। पहाड़ों पे ना नेचर कब अपना रंग किस तरीके से दिखाती है ना, कभी नहीं। आप हर बार आइए आप कभी ये कह नहीं सकते मैंने पहले भी ऐसा ही तो देखा था, नहीं मैं पहले आया जब कुछ और था, मैं अब आ रहा हूँ कुछ और व्यू है। और हर व्यू शानदार, हर व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखिए किस तरीके से बर्फ को यहाँ पे घेरा हुआ है साइड में। ये पीछे सब जो दिख रहे हैं ये सेब के पेड़ हैं, ये सभी सेब के पेड़ हैं। और ये घर की छत पे से बर्फ पिघल पिघल के पानी नीचे गिर रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है सूखी टॉप, मतलब आप हर्षिल तो आते ही हैं लेकिन सूखी टॉप से जो नज़ारे मिलेंगे ना बहुत ही फैसिनेटिंग एरिया है। आप पीछे का एरिया देखिए, जिस साइड से हम आते हैं गंगनानी वाला एरिया, उसका व्यू बहुत ही शानदार है। इधर आप देखिए बहुत ही आगे का जो है पूरा पहाड़ है
चोटियाँ हैं ऊँची जिस पर बर्फ गिरी हुई है, नीचे भागीरथी रिवर बह रही है और यहाँ आप देखेंगे ना, ये भागीरथी रिवर बह रही है नीचे और इस पहाड़ के पीछे यहाँ सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे हर्षिल है और हर्षिल से आगे धराली, धराली के जस्ट अपोजिट मुखवा है जहाँ पे शीतकाल में विंटर्स में गंगोत्री देवी की स्टैचू आती है।